नमस्कार। भारत माँ के सभी बच्चों को 74वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम महात्मा गांधी, बापू समेत अपने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का तहे दिल से नमन और वंदन करते हैं, जिनकी वजह से हमें आज सम्मान के साथ जीने का मौका मिला है, आज़ादी मिली है। पर आपको लगता है क्या हम वाकई आज़ाद हैं? भौतिक तौर से तो हम आज़ाद दिखते हैं, पर मानसिक तौर पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज भी हम बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। वो बेड़ियां हैं हमारे क्रोध, लोभ, मोह, माया की, या फिर अहम की, धर्म और भ्रम की। अपनी इन बेड़ियों को हम खुद तोड़ सकते हैं। किससे? विवेक सम्मत शिक्षा की तलवार से। समय के साथ साथ शिक्षा समर्पित करने का तरीका बदला है। आज ऑनलाइन तरीके से शिक्षा दी जा रही है। मैं ग्लोबल स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की प्रिंसिपल, टीचर्स, एडमिन स्टाफ, पेरेंट्स और हमारे उन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने तमाम दुश्वारियों के बाद भी हौसला नहीं खोया और इस अलख को जगाए रखा। नई शिक्षा नीति 2020 हमें ये उम्मीद दिलाती है कि हमारा भविष्य वर्तमान से बेहतर होगा। उम्मीद तो हमें मेडिकल फील्ड से भी कई ज़्यादा है कि कब हमें इस कोरोना रूपी काल से आज़ादी मिले। तो पिछले 5 महीनों में हम काफी कुछ हमने इसका सामना किया है सामने से आकर। बस दो चीजें, 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, इतना सा करना है हमें, बाकी तो फिर हम स्वयं समझदार हैं। करीब 150 दिनों में कठिन परीक्षा ली है हमारी कुछ आदतों में आधारभूत परिवर्तन आया है और मैं आशा करती हूं कि आने वाला समय ये पॉजिटिव रहेगा। ये जो चेंजेस आए हैं हमें, ये बेनिफिशियल होंगे हमारे लिए और सोसाइटी के लिए। अंत में मैं आप सबका, स्पेशली अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल का, अपनी उन सभी फौजों का जो सरहद पे हैं या बैरिक्स में हैं, तथा साथ ही मेडिकल फील्ड के अपने सभी योद्धाओं का सलाम करती हूँ। जय